हाँ तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो समझ लेते हैं पहले कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। कि जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करे, लेकिन वो प्रवेश कैसे करे, तिरछी, एक माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में तिरछी प्रवेश करे, तो प्रकाश किरण अपने मार्ग को क्या करती है, छोड़ देती है और दूसरे मार्ग को क्या कर लेती है, ग्रहण कर लेती है। इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। अगर इसे हम डेफिनेशन के रूप में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में त्रियक प्रवेश करती है। कैसे प्रवेश करती है, त्रियक प्रवेश करती है, तो वह दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ पर अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो डेफिनेशन देखेंगे इसकी, प्रकाश का अपवर्तन, क्या इसकी डेफिनेशन देखनी है, प्रकाश के अपवर्तन की। क्या लिखेंगे, जब कोई प्रकाश किरण, ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में त्रियक का मतलब तिरछी, जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में त्रियक प्रवेश करती है, तो वह का मतलब प्रकाश किरण, तो वह दोनों माध्यमों तो वह दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ पर अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है, एक तो प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कैसे, एक तो इसमें क्या याद रखना है कि प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में त्रियक प्रवेश करेगी, और दूसरा क्या याद रखना है कि दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ पर अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाएगा। क्या दो बात याद रखनी है, प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में कैसे प्रवेश करेगी, त्रियक प्रवेश करेगी, और दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ पर अपने मूल मार्ग से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। ठीक है, अब बात यहां पर यह है कि जब ये प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो इसका अपवर्तन क्यों हो जाता है, तो हम कारण की बात करेंगे। यहां लिखते हैं हम कारण इसका है भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न होना, यानी कि अलग अलग पारदर्शी माध्यमों में प्रकाश की चाल कैसी होती है,
अलग अलग भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न होना। ठीक है, आगे आप इसमें ये भी नोट कर सकते हैं, प्रकाश की चाल सघन माध्यम की तुलना में विरल माध्यम में अधिक होती है। ठीक है, तो अपवर्तन का कारण क्या है कि जो प्रकाश है उसकी चाल अलग अलग पारदर्शी माध्यमों में अलग अलग होती है। जैसे प्रकाश की चाल निर्वात में कैसी होती है, सर्वाधिक, इससे कम किस में हो जाएगी। अगर हम ले लें कि निर्वात है, तीन माध्यम ले लिया हमने, चलो एक हमने ले लिया निर्वात, एक ले लिया हमने हवा, एक ले लिया हमने जल और एक हमने ले लिया कांच। ठीक है, तो इसमें सर्वाधिक सघन कौन सा है, कांच। ठीक है, तो इस ओर जाने पर अपवर्तनांक बढ़ रहा है, निर्वात से हवा, हवा से जल, जल से कांच में जाएंगे तो अपवर्तनांक में क्या हो रही है, वृद्धि। इसका होता करीब 1.0029 या 1.0003 कह सकते हैं, 1.0003। जल का होता है 1.33, कांच का होता है करीब 1.5, अलग अलग कांचों पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो प्रकाश की चाल होगी वो सर्वाधिक निर्वात में होगी और सबसे कम किस में होगी, कांच में। हमने यहाँ पे कोई आपके माध्यम ले लिए अलग अलग, ठीक है, ये आपके माध्यम है, ये आपका निर्वात है, तो तीन माध्यम लिए, हवा जल कांच, तो सर्वाधिक चाल किस में होगी, अगर हम इनकी बात करें हवा जल और कांच की, तो सर्वाधिक चाल होगी हवा में, सबसे कम चाल होगी कांच में। अगर हम निर्वात को भी शामिल कर लें, इसको निर्वात को भी, तो निर्वात में प्रकाश की चाल कैसी होगी, सर्वाधिक, यानी कि अपवर्तनांक बढ़ने पर प्रकाश की चाल में कैसी क्या आती जाती है, कमी। ठीक है, कोई बात मैंने लिखी है कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न होना, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न होना, यही क्या है, अपवर्तन का मुख्य कारण। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक नोट पॉइंट और याद रखना है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, नोट क्या, यदि प्रकाश किरण ए पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में लंबवत प्रवेश करे, ठीक है, लंबवत प्रवेश करे, जब लंबवत प्रवेश करेगी तो आपतन कोण I का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, लंबवत प्रवेश करे। तो मैंने क्या कहा था, अपवर्तन की घटना कब होगी, जब प्रकाश कण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में कैसी प्रवेश करेगी, त्रियक, और जब लंबवत प्रवेश करेगी तो अपवर्तन की घटना नहीं होगी। यदि प्रकाश कण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में लंबवत प्रवेश करे तो अपवर्तन की घटना नहीं हो गी, नहीं हो गी। तो एक बात आप इस बात को कान खोल के सुन लें, ध्यान रखें कि जो प्रकाश किरण है उसका अपवर्तन तभी होगा जब वो एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में तिरछी प्रवेश करेगी। क्लियर, कैसी प्रवेश करेगी, तिरछी। अब हम यहां से दो पॉइंट का और अध्ययन करेंगे। पहला पॉइंट है, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करे, तो आप देखो किस माध्यम में प्रवेश कर रही है, विरल में या सघन। वापस पढ़ेंगे, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करे, किस माध्यम में प्रवेश कर रही है, सघन माध्यम में। तो सघन माध्यम को हम कौन सा माध्यम मान लेंगे, दो। किस माध्यम से प्रवेश कर रही है, विरल माध्यम से, उसको कितना मान लेंगे, एक। तो हमने ऊपर ले लिया इधर विरल माध्यम, ठीक है, और क्या मान लिया, वन।
और नीचे ले लेंगे सघन माध्यम, इसको हमें क्या मानना पड़ेगा दो, और ये कोई अपवर्तक पृष्ठ है। कौन सा वाला पृष्ठ है? अपवर्तक पृष्ठ, यानी कि ये पृष्ठ है, यहां से प्रकाश किरण अपने मार्ग को क्या कर देती है, बदल देती है। कहने का मतलब जो ये पृष्ठ है वो विरल माध्यम और सघन माध्यम को पृथक पृथक कर रहा है। जो ये पृष्ठ है वो विरल माध्यम और सघन माध्यम को क्या कर रहा है, पृथक कर रहा है। क्लियर? तो अब हम देख के चलते हैं, अपवर्तनांक को हम स्मॉल एन से भी प्रदर्शित करते हैं, म्यू से भी प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो अपवर्तनांक है उसको N1 से शुरू कर दिया, यानी कि द्रव माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो N1 हो गया, और क्या हो गया N1, और सघन माध्यम का जो अपवर्तनांक लिया वो हमने क्या लिया N2। ठीक है, ये कोई प्रकाश किरण द्रव माध्यम से चलती हुई सघन माध्यम को पृथक करने वाले पृष्ठ पर क्या हुई, आपतित हुई। और कैसी आपतित हो रही है ये देखें आप, लंबवत या तिरछी, तिरछी आपतित हो रही है। तो ये हो गया आपका आपतन बिंदु, यहाँ पे हमने खींच लिया एक अभिलंब। क्लियर? तो ये अभिलंब है, ये आपतित प्रकाश किरण है, तो हमने बना लिया आपतन कोण आई। क्लियर? अब इसका जो मूल मार्ग होगा वो क्या होगा, ये होगा। अब हमको ये देखना है मूल मार्ग क्या होगा, इसका जो मूल मार्ग होगा वो ये होगा, सीधी चली जाएगी। लेकिन सीधी चली जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे प्रकाश किरण द्रव माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो अपने मार्ग से क्या होगी, विचलित होगी। तो ये अभी प्रकाश किरण गई तो नहीं है, लेकिन इस दिशा में जानी चाहिए थी, लेकिन गई नहीं। अब हमें ये देखना है कि जो ये प्रकाश किरण जब इस अपवर्तक पृष्ठ से अपवर्तित होगी तो इस अभिलंब के पास आएगी या दूर जाएगी, इस बात को हमको देखना है। तो यहाँ पे देखो, द्रव माध्यम का अपवर्तनांक N1 है, सघन माध्यम का अपवर्तनांक N2 है। आप जानते हैं कि हमेशा सघन माध्यम का अपवर्तनांक कैसा होता है, ज्यादा, और द्रव माध्यम का अपवर्तनांक कैसा होता है, कम होता है। क्लियर? सघन माध्यम का ज्यादा होता है अपवर्तनांक, और द्रव माध्यम का कैसा होता है, कम। तो आप लिख सकते हैं क्योंकि N2 इज ग्रेटर देन N1, क्यों भाई, क्योंकि जो N2 है वो सघन माध्यम का अपवर्तनांक है और N1 है वो विरल माध्यम का अपवर्तनांक है। तो इसको अपन अगर सॉल्व करें, N1 को ट्रांसफर करके इस दर लाएं तो क्या आएगा, N2 बटे N1 इज ग्रेटर देन 1। क्लियर? अब एक नियम है स्नेल का, अपवर्तन से संबंधित किसका नियम है, स्नेल का, स्नेल के नियम का हम यूज करेंगे, स्नेल के नियम से। क्लियर? स्नेल का नियम होता है साइन आई बटे साइन आर बराबर N2 बटे N1, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर N2 बटा N1। अब आप यहां से देखो N2 बटे N1 का जो मान है वो एक से कैसा आ रहा है, ज्यादा। देखो N2 अपॉन N1 इज ग्रेटर देन 1, यानी कि N2 बटे N1 का मान एक से ज्यादा है। अब आप यहां देखो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर N2 बटे N1, यानी ये दोनों आपस में बराबर हैं। जब N2 बटे N1 का मान एक से ज्यादा है तो साइन आई अपॉन साइन आर का मान भी क्या होगा, एक से ज्यादा होगा। अतः क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर इज ग्रेटर देन 1, साइन आई अपॉन साइन आर इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे में समझे तो आप ऐसे समझ सकते हैं, इसे लिख सकते लिया मैंने 1/1, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, साइन आई इधर रह गया, साइन आर का मल्टीप्लाई 1 से हुआ, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ तो क्या हुआ, साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर हो जाएगा। ठीक है, साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर। अब यहाँ पर साइन आई का मान साइन आर से कैसा है, ज्यादा है। अब आप जानते हो कि जब आप साइन की टेबल में चलते हैं, किसकी टेबल में चलते हैं, साइन में, तो जब साइन की आप टेबल में चलते हो तो देखते हैं यहाँ पर 0, 30, 45, 60, 90, तो साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। यानी आप देख रहे हैं कि साइन में जैसे जैसे कोण का मान बढ़ता जा रहा है वैसे वैल्यू बढ़ती जा रही है। 0 से 30 हुआ कोण तो वैल्यू 0 से बढ़कर 1/2 हो गई, आगे
कोण बढ़ा तो वैल्यू बढ़ती जाती है, यानी कि साइन में जैसे जैसे कोण बढ़ता है वैसे वैसे वैल्यू क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर, यानी साइन आई का मान ज्यादा है साइन आर का मान कम है। इसका मतलब साइन आर का मान कम है, इसका मतलब इसका कोण भी कैसा होगा, कम, क्योंकि आप साइन में देख रहे हैं कोण बढ़ने पर वैल्यू बढ़ रही है और कोण घटने पर वैल्यू घट रही है। साइन आर की वैल्यू कैसी आ रही है, कम, इसका मतलब साइन आर का कोण कैसा होगा, कम। साइन आई की वैल्यू कैसी है, ज्यादा, इसका मतलब साइन आई की वैल्यू, साइन आई की वैल्यू कैसी होगी, ज्यादा होगी। साइन आर का कोण, साइन आर की वैल्यू देखें, साइन आर की वैल्यू कैसी आ रही है, कम। सारणी से देखेंगे कि जब कोण घटता जाता है तो वैल्यू घटती जाती है, क्लियर। तो जब साइन आर की वैल्यू कम है तो इसका कोण भी कैसा होगा, कम। साइन आई की वैल्यू कैसी है, ज्यादा, इसका मतलब कि कोण बढ़ने पर वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। इसका मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब इसका कोण ज्यादा होगा। तो आई इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आई क्या है आपका, आपतन कोण, आई क्या है आपतन कोण, और आर क्या है अपवर्तन कोण, क्लियर। तो इसका मतलब आप देखें आपतन कोण का मान कैसा है, ज्यादा, अपवर्तन कोण का मान कैसा है, कम। इसका मतलब क्या है कि अपवर्तन कोण का मान कम आ रहा है, और अपवर्तन कोण कौन सा होता है कि जब प्रकाश किरण अपवर्तित होती है, कैसी होती है, अपवर्तित होती है, तो अविलंब के साथ गया, अविलंब के साथ बनाया गया कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। अपवर्तन कोण कौन सा होता है, जब प्रकाश किरण अपवर्तित होती है तो अभिलंब के साथ बनाया गया कोण अपवर्तन कोण होता है। अगर हम प्रकाश किरण का मार्ग यही रख दें तो जितना कोण आई है उतना ही कोण ये आई आ जाएगा, लेकिन आई का मान ज्यादा है आर का मान कम है, तो आप कोण को इधर से माप रहे हो और यहाँ से माप रहे हो। अगर आप इधर यहाँ तक चले जाओगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी, और थोड़ा पीछे तक रह जाएंगे जैसे यहाँ तक रह गए तो वैल्यू अपने आप कैसे हो जाएगी, कम। तो प्रकाश किरण क्या होती है, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो क्या होगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में आपका होता है आई इज ग्रेटर देन आर। इस बात को अपन यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं। तो यहां से निष्कर्ष क्या निकला, जब प्रकाश किरण विरल, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, क्लियर। अब इसका जो दूसरा पॉइंट देखेंगे वो क्या देखेंगे, जब प्रकाश किरण अब विरल की जगह कहां से जाएगी, सघन से, सघन माध्यम से कौन से माध्यम में प्रवेश करे, विरल माध्यम में, क्लियर। तो सघन माध्यम अब कौन सा माध्यम बन जाएगा, फर्स्ट, और विरल माध्यम कौन सा माध्यम बन जाएगा, सेकंड। भाई जिस माध्यम में प्रकाश किरण प्रवेश करती है उसको हम कौन सा माध्यम मानते हैं, दूसरा माध्यम मानते हैं। इसमें थोड़ा सा ही करेक्शन है, इस विरल माध्यम के लिए अपन क्या लिख लेंगे, सघन, ठीक है, और यहां सघन के लिए अपन क्या लिख लेंगे, विरल, ये हट जाएगा यहां से। अब ये अपवर्तक पृष्ठ रह जाएगा और बाकी सेम है, ये कोई अपवर्तक पृष्ठ है, सघन माध्यम एक से विरल माध्यम दो में कोई प्रकाश किरण प्रवेश कर रही है, ये अभिलंब है, ये आपतित प्रकाश किरण है, क्लियर, और ये आपतित प्रकाश किरण की मूल दिशा है। तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, क्या चेंज करना पड़ेगा, यहाँ सघन माध्यम है वो N1 है, विरल माध्यम है वो N2 है, और आप जानते हैं सघन माध्यम का अपवर्तनांक कैसा होता है, ज्यादा होता है, सघन माध्यम का अपवर्तनांक कैसा होता है, ज्यादा होता है। तो इस सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, अब की बार क्या होगा, देखो सघन माध्यम का अपवर्तनांक N1 है और विरल माध्यम का N2, ठीक है, तो जो सघन माध्यम N1 है उसकी वैल्यू कैसी होगी,
ज्यादा। सघन माध्यम का जो अपवर्तनांक एन वन है उसकी वैल्यू कैसी होगी? ज्यादा। यानी कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक एन वन की वैल्यू ज्यादा होगी और द्रव माध्यम के अपवर्तनांक एन टू की वैल्यू कम होगी। यानी कि एन वन की वैल्यू ज्यादा है और एन टू की वैल्यू कम है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर तीर का चिन्ह उल्टा हो जाएगा, भाई एन टू की वैल्यू कम और एन वन की वैल्यू ज्यादा। जब यहाँ पर तीर का चिन्ह उल्टा हो गया तो यहाँ पे भी आपका तीर का चिन्ह उल्टा हो जाएगा। आगे आप क्या लगा देंगे? स्नेल के नियम से, ठीक है। स्नेल का नियम क्या है? साइन आई अपॉन साइन आर बराबर एन टू बट्टा एन वन। अतः तो जब आप देखो यहाँ पर साइन आई अपॉन साइन आर किसके बराबर है? एन टू बट्टे एन वन का। और यहाँ देखो एन टू बट्टे एन वन का जो मान है वो एक से कैसा आ रहा है? कम। तो यहाँ पे देखेंगे अतः साइन आई अपॉन साइन आर का मान जो है एक से कैसा आएगा? कम, क्योंकि आप देखें एन टू अपॉन एन वन का मान एक से कम है। तो और आप आगे देखेंगे साइन आई अपॉन साइन आर बराबर एन टू बट्टे एन वन है। तो जब एन टू बट्टे एन वन का मान एक से कम है और ये दोनों आपस में बराबर है, तो जितना मान एन टू बट्टे एन वन का होगा उतना ही मान साइन आई अपॉन साइन आर का होगा। क्योंकि एन टू बट्टे एन वन का मान एक से कम है तो साइन आई अपॉन साइन आर का मान भी एक से कम होगा, तो साइन आई अपॉन साइन आर इज लेस देन वन हो जाएगा और यहाँ पे वापस वही चिन्ह आ जाएगा, क्लियर। और अभी मैंने आपको बताया था क्या कि साइन में कोण बढ़ने पर वैल्यू बढ़ती है, कोण घटने पर वैल्यू घटती है। तो यहाँ पे देखो साइन आई का मान कैसा आ रहा है? कम। साइन आर का मान कैसा आ रहा? ज्यादा। यानी कि जब साइन आई का मान कम है तो इसका कोण भी कैसा होगा? कम होगा। साइन आर का मान ज्यादा है इसका मतलब इसका कोण भी कैसा होगा? ज्यादा होगा। तो आई इज लेस देन क्या आ गया? आर आ गया। आई कौन सा वाला कोण है आपका? आपतन। और आर कौन सा वाला कोण है आपका? अपवर्तन। यानी कि अब की बार आप देखेंगे कि आपतन कोण का जो मान है, आपतन कोण का जो मान है, ठीक है, कौन से कोण का? आपतन कोण का जो मान है वो अपवर्तन कोण से कैसा है? कम। यानी कि आपतन कोण कम है और अपवर्तन कोण ज्यादा है। अब आप देखेंगे आप प्रकाश किरण को वापस इसी मार्ग पर ले जाएं, जब आप प्रकाश किरण को उसके मूल मार्ग पर ले जाएंगे तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर आ जाएगा, जितना ये इतना ही है। लेकिन आपको अब की बार अपवर्तन कोण ज्यादा चाहिए, यानी कि आपको अभिलंब से पहले की तुलना में ज्यादा दूर जाना पड़ेगा। जब ज्यादा दूर जाएंगे प्रकाश किरण इधर चली गई, तो बताओ ये वाला कोण अपने आप इस आई से ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। इस स्थिति में आप देखते हैं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? ये आर हो गया, आर इज ग्रेटर देन आई। जब ऐसी घटना होती है कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से द्रव माध्यम में प्रवेश करती है, तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से, कौन से माध्यम में? विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो अविलंब से क्या हो रही है? जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है तो आम जाना इसको इस मार्ग पर चाहिए था, मूल मार्ग पर, लेकिन ये मूल मार्ग से क्या हो गई? अलग हो गई। और अलग होने के साथ साथ अविलंब से कैसी हो गई? दूर हो गई। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर हट जाती है, अविलंब से दूर हट जाती है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।